हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मेरा परिचय के बारे में समझाऊंगी। मेरा परिचय का मतलब क्या होता है? अपने बारे में बताना, अपने बारे में लिखना। अब जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे माई सेल्फ, वैसे ही बेटा हिंदी में भी है मेरा परिचय। तो चलिए, मेरा परिचय में आप लोग क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा जो मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ, आप लोग क्या है वो लिखिएगा। उसके बाद आप लोग कितने साल की हैं वो लिखना है। आपके मम्मी के नाम क्या है, पापा के नाम क्या है, आप किस क्लास में किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपका स्कूल का क्या नाम है, आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं, ये सब आपको लिखना है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को लिख के बता रही हूँ क्या है मेरा परिचय। क्या है बेटा? मेरा परिचय। मेरा परिचय, तो चलिए मेरा परिचय हम लिखवा रहे हैं। पहला में लिखते हैं पहला लाइन में क्या है बेटा? मेरा नाम, यहाँ पे आपको जो भी लिखना होगा है, आपका जो भी नाम है वो लिखिएगा। दूसरा नंबर में लिखिए मैं एक, आप लड़का है तो लड़का लिखिएगा, लड़की है तो लड़की, जो भी है आप उसमें से दोनों में से एक भरना। मैं एक लड़का या लड़की हूं, ठीक है। तीसरा नंबर में चलिए बेटा, तीसरा नंबर में लिखिए मैं, आप जितने भी साल के हैं वो लिखिए, इतने साल का हूं। चौथा नंबर में आपको लिखना है बेटा मेरे पिताजी का नाम श्री है। आपके पापा के जो भी नाम है बेटा वो लिखना है, ठीक है। पांच नंबर में चलिए लिखिए मेरे माता जी का नाम श्रीमती है। आपकी मम्मी की जो नाम है बेटा वो लिखना है। सबसे पहले मेरा नाम है, मैं एक लड़का या लड़की, आप लड़का है तो यहाँ पे लिखिएगा लड़का, लड़की तो मैं एक लड़की हूँ। मैं, आप जितने भी साल के हैं वो लिखना है, मैं 5 साल का हूँ, मैं 7 साल का हूँ, मैं 4 साल का हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री है। आपके मम्मी के नाम, पापा के नाम जो है वो लिखना है इसमें है। मेरे माता जी का नाम श्रीमती है। आपकी मम्मी की भी जो भी नाम है बेटा वो लिखना है, ठीक है। 6 नंबर में चलिए मैं कक्षा, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं वो लिखना है, मैं पढ़ता और पढ़ती हूं। यदि आप लड़का है तो लिखिएगा पढ़ता हूँ, लड़की है तो पढ़ती हूँ, ठीक है बेटा। मैं कक्षा UKG में पढ़ता हूँ। उसके बाद 7 लाइन्स में आप लिखिए मेरे विद्यालय का नाम है। आपके स्कूल का जो भी नाम है यहाँ पे वो लिखना है बेटा। उसके बाद 8 नंबर में चलिए लिखिए मेरा पसंदीदा विषय है। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है वो लिखना है। 9 नंबर में लिखिए मैं बड़ी होकर बनना
या बनना चाहता या चाहती हूँ। अब देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पे नौ लाइन लिखवाई हूँ बेटा। नाइन लाइन में सबसे पहले मेरा परिचय है, मेरा नाम, जो आप लोगों की नाम है पहले नंबर में वो लिखना है, ठीक है। सेकंड में है, मैं एक लड़का या लड़की हूँ। यदि आप लड़का है तो इसमें लड़का भरेंगे, यदि आप लड़की है तो इसमें लड़की भरेंगे, ठीक है बेटा। मैं एक लड़का या लड़की हूँ। मैं साल का हूँ, तो आप लोग यूकेजी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, तो आप लोग 5 से 6 साल के होंगे, तो लिखिए मैं 6 साल का हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को भर के भी दिखा देती हूँ, मैं 6 साल का हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम श्री है। आपके पापा के नाम जो भी है, आप लोग अपने अपने पापा के नाम लिखेंगे पिताजी के नाम के जगह। उसके बाद है, मेरे माताजी का नाम श्रीमती है। अब यहाँ पे आपके मम्मी का जो नाम है बेटा वो लिखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है 6th लाइन में, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आप यूकेजी क्लास में पढ़ते हैं तो आप यूकेजी लिखिएगा, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड में है तो सेकंड लिखना है, जो भी कक्षा में है, जो भी क्लास में है आप, यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। और यदि आप बॉयज हैं, मीन्स लड़का है, तो पढ़ता है, पढ़ता हूँ लिखना है। यदि आप लड़की है बेटा तो पढ़ती हूँ, ओके। उसके बाद 7th में है, मेरे विद्यालय का नाम है। तो आपके विद्यालय का नाम क्या है? न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल। तो आपको यहाँ पे लिखना है न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल है, ठीक है। मेरा पसंदीदा विषय है। आपके पास कितने सब्जेक्ट है? साइंस है, इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है, साइंस इंग्लिश हिंदी और एक मैथ है। तो आपको इस चारों सब्जेक्ट में मैथ है, कंप्यूटर है, सब बहुत सारे सब्जेक्ट है आप लोगों के। तो जो भी आपके पसंदीदा सब्जेक्ट है उसे यहाँ पर लिखना है, जो मीन्स जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है बेटा। उसके बाद है, मैं बड़ा होकर, बड़ा और बड़ी, यदि आप लड़का है तो बड़ा लिखेंगे, लड़की है तो बड़ी। मैं बड़ा या बड़ी होकर, आप क्या बनना चाहते हैं? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो आप बड़ा होकर जो भी बनना चाहते हैं बेटा वो यहाँ लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? जो भी आपको बनना है वो आपको इसमें लिखना है। तो चलिए अब इसे आप लोग कीजिएगा, और चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी बेटा, आप इसे कीजिए पहले, ओके। थैंक यू।